कोरोना वायरस से देश को बचाने में लगे कोरोना योद्धाओं को पीएम मोदी सम्मान देने की बात लगातार कर रहे हैं। ऐसे में ही कई शहरों से पुलिस और डॉक्टर की टीम को सम्मान देने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच झरिया वासियों ने प्रधानमंत्री की कही बातों को बखूबी निभाते हुए झरिया सिंदरी मुख्य सड़क मार्ग पर निरंतर ड्यूटी में लगी पुलिस को सम्मान दिया है। पुलिस को युवा और बच्चों ने पुष्प वर्षा कर सम्मान दिया। युवाओं का कहना है कि देश को महामारी से बचाने के लिए कोरोना योद्धाओं के रूप में 24 घंटे पुलिस लगी हुई है। इनका दिल से सम्मान करते हैं। वहीं थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह कहते हैं कि यहां के लोग पुलिस और प्रशासन दोनों का सहयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। यहां आप जानते हैं कि विभिन्नता में एकता का प्रतीक रहा है देश, वो आज दिखने को मिल रहा है। और खास करके विपरीत परिस्थितियों में जो देश गुजर रहा है, कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का धैर्य का इम्तिहान है और उसका प्रशंसा करना होगा कि पिछले जो 29 से लॉकडाउन की बात आई तो उसमें लोग हर तरह से सहयोग करना शुरू किया। इवन कि कुछ पेरेंट्स ने ये भी बताया कि जो बच्चे नहीं मानते हैं उन पर आप सख्ती बरतिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उनका बड़प्पन था कि टोटल लोग हर तरह से हम लोग का साथ कदम दर कदम जो है मिला के चले लोग। अब है क्या कि ये परीक्षा की घड़ी और आगे बढ़ चुकी है। ये सर्वविदित है कि 3 मई तक अभी जो सरकार का जो अध्यादेश है उसके अनुसार जो है लॉकडाउन चलेगा। तो धैर्य का इम्तिहान है लोगों को कि जिस तरह से प्रशासन का साथ दिया और जिस तरह से पुलिस वाले हों या चिकित्सक हों या पत्रकार बंधु हों या जो आवश्यक सेवा है उससे संबंधित लोग हों, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में सारे लोग सक्रिय हैं और सारे लोग जो है बधाई के पात्र हैं। फिर पुलिस वाले ही नहीं, पुलिस वाले को तो सहयोग मिल रहा है, हर तरह से सहयोग मिल रहा है। और इस परिस्थिति में भी यदि आम आदमी के द्वारा इस तरह से कोई कार्यक्रम करके लोगों को अप्रिशिएट किया जाए तो इतना तो जरूर है कि लोगों का मनोबल बढ़ता है। पुलिस ऑफिसर को क्या चाहिए? पुलिस ऑफिसर को अप्रिसिएशन चाहिए, सम्मान चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। तो हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जो रात दिन 24/7 जो सारे लोग खड़े हैं, चाहे वो चिकित्सक हों, पुलिस वाले हों, सामान्य प्रशासन के लोग हों, पत्रकार हों, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, सेवा करने का बहुत सारा तरीका है। इन लोग के द्वारा जो जिस सम्मान दिया जा रहा है, इन लोग बधाई के पात्र हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम लोग को इसी तरह से जो है मान बढ़ाते रहेंगे और हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहेंगे और हम लोग 24/7 सभी के लिए जो है बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से बहुत सामान्य तरीके। एक तरफ जब पुलिस और प्रशासन को सम्मान देने की खबरें सामने आती हैं तो हर कोई गर्व महसूस करता है और हौसला मिलता है कि जल्द ही कोरोना को हमारा देश हरा देगा। लेकिन वही जब कुछ जगहों से पुलिस और मेडिकल टीम पर हमले की खबर आती है तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। झरिया से न्यूज़ के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।